हमीरपुर जिला के लोगों को पेयजल तो शुद्ध मिल रहा है, लेकिन दूध में गड़बड़ हो रही है। लोकल दूध बेचने वालों से लेकर ब्रांडिंग कंपनी के दूध में यूरिया का पाया जाना चिंता का विषय है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन ने जिला में दूध, पानी, जूस आदि के सैंपल जांचे जा रहे हैं। हमीरपुर शहर में पानी के सैंपल तो सही पाए गए, लेकिन दूध में पानी की मिलावट ज्यादा पाई गई है। हमीरपुर जिला के लोगों को पेयजल तो शुद्ध मिल रहा है, लेकिन दूध में गड़बड़ हो रही है। लोकल दूध बेचने वालों से लेकर ब्रांडेड कंपनी के दूध में यूरिया का पाया जाना चिंता का विषय है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के मोबाइल वैन ने जिला में दूध, पानी, जूस आदि के सैंपल जांचे जा रहे हैं। हमीरपुर शहर में पानी के सैंपल तो सही पाए गए, लेकिन दूध में पानी की मिलावट ज्यादा पाई गई। इसके अलावा पैकेट बंद दूध व लोकल दूध के सैंपल भी जांचे गए, जिनमें एक ब्रांडेड कंपनी व दूध विक्रेता के दूध में यूरिया की मात्रा पाई गई। फूड एंड सेफ्टी विभाग हमीरपुर की मोबाइल टेस्टिंग वैन ने हमीर भवन के पास लोगों के पानी, दूध और जूस के सैंपल ऑन द स्पॉट जांचने की सुविधा दी गई। सैंपल जांच की रिपोर्ट लोगों को कुछ समय में ही मिल रही है। लोग सैंपल की रिपोर्ट को लेकर काफी उत्साहित दिखे। अब तक 58 सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 2 की रिपोर्ट सही नहीं पाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी विभाग अरुण चौहान ने लोगों से मोबाइल टेस्टिंग वैन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कैसा दूध और पानी पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच टीम में शामिल फूड सेफ्टी ऑफिसर मधुबाला तथा खाद्य विश्लेषक अक्षय कुमार कुछ ही मिनट में रिपोर्ट दे रहे हैं। ये अभियान जिला में 1 सप्ताह तक चलेगा। हमारी मोबाइल वैन आई है धर्मशाला से ना, 1 वीक के लिए, और इस वीक हम पूरा अवेयरनेस कैंप लगाएंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे। और आज हम आए हमीरपुर मतलब शहर में आए हैं। आज हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जूसेज, सॉस, चटनी का सैंपल लिख करेंगे। अभी एक मिल्क का सैंपल लिया है, वो गांव से आता है फोर्थ साइड से, उसमें यूरिया पाया गया और पानी भी काफ़ी पाया गया। अब नॉर्मल पानी पाया गया और यूरिया पाया गया काफ़ी मात्रा में। अब देखते हैं उसका 2-4 दिन में हम लिखा सैंपल लिख करेंगे, और फिर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके उसके बाद जो भी हमारे एक्ट में एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, तो उसका लीगल सैंपल लिफ्ट करेंगे ना। अभी हमारे पास एक तो आइस बॉक्सेज नहीं है, उसके लिए आइस बॉक्सेज चाहिए ना, नहीं तो सैंपल ख़राब हो जाएगा। हम सैंपल लिफ्ट करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। हाँ, यदि कोई प्रिपेयर्ड फूड है उसका हम ले लेंगे सैंपल ले लेंगे जल्द, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ सैंपल लिफ्ट कर लेंगे। ये तो हमारे को चाहिए ना, आइस बॉक्सेज चाहिए, बड़े बड़े आइस बॉक्सेज। हाँ, जो पका पकाया है ना, जो प्रिपेयर्ड फूड है उसका लीगल सैंपल हम लिख कर नेक्स्ट मंथ।